चलो 15 क्वेश्चंस हैं, 15 पार्ट्स हैं या 15 क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के 4 के तो कुछ करेंगे, सारे थोड़ी करेंगे हम। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा है, एक तो फर्स्ट टर्म पूछी और कॉमन डिफरेंस, बहुत ही आसान है। देखिए जरा, ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 3, और डी की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू कितनी है जरा देखिएगा, ए टू की वैल्यू है बेटा कितनी 1, और माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है 3। आंसर क्या आ गया माइनस, ये लो जी, ये है आपकी क्या, लिख देना तरीके से अच्छे बच्चों की तरह, ये है आपकी फर्स्ट टर्म और ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट टर्म ऐसे लिखना है आपको प्रॉपरली, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा हुआ, देखो इधर जरा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है माइनस 5, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस बेटा एक बात बताओ, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, और जिससे पूछना है वो समझ गया है, और अब वो हंस भी रहा है क्योंकि उसे पता है कि किससे पूछा जा रहा है। ये बहुत हंस रही है, कैसे पता चल गया था क्या? मुझे पता था, मैं तो प्रभ से पूछूंगा। प्रभ बेटा बताओ जरा कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब क्या पूछ रहा था मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। अच्छा क्या पूछा था मैंने, कॉमन डिफरेंस नहीं 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 अच्छा हाँ ठीक है, हमें कैसे पता है कि ये ए पी है और इसमें हम ए और डी ही क्यों निकाल रहे हैं? मतलब पहले तो हम क्या करते थे, सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करते थे कि वो ए पी है या नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना, ऐसा क्यों? हाँ जी ऐसा क्यों भाई, पहले चेक तो करोगे ये ए पी है या नहीं है, तभी तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे। एग्जैक्टली बेटा, यहाँ पे ये ए पी है तो आपको सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद बोल दिया फॉर द फॉलोइंग ए पी, इसका मतलब ये है कि एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आपको सबके निकालने की जरूरत नहीं, उन्होंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बोला है तो एक ही बार निकाल के बता दिया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। आ जाओ बेटा किस पे, थर्ड पे। अब आप फर्स्ट टर्म लिखकर फिर लिखोगे, ये फर्स्ट टर्म क्या है बेटा यहाँ पे जरा देखो 1/3, कॉमन डिफरेंस लिख के डी लिखना। ठीक है, कितना होगा 5/3 माइनस 1/3, सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4/3। अब आ जाओ किस पर, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे पहले लिखोगे फर्स्ट टर्म और उसके बाद लिखोगे ए इज इक्वल टू व्हाट 0.6, और कॉमन डिफरेंस लिखने के बाद आप लिखोगे डी इज इक्वल टू व्हाट 1. मतलब डी होता क्या है, डी होता है बेटा ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू यहां पे कितनी है 1.7, माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है बेटा 0.6, आंसर कितना आ रहा है बेटा 1.1। बताइए कोई दिक्कत, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।